असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल रंगड़ फैमिली ब्लॉग वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं ये मॉर्निंग का ब्लॉग है हस्बैंड जाते वक्त ड्यूटी पे मुझे उठा के चले गए थे फिर मुझे नींद ही नहीं आई मैं उठ के बस अपने पेंडिंग कामों को करना स्टार्ट हो गई अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आज नमाज़ मैंने अदा की नहीं थी क्योंकि हस्बैंड भी लेट गए थे मैक्सिमम साढ़े पाँच बजे जब मैं उठी तो अच्छी खासी रोशनी हुई हुई थी तो फिर मेरा नमाज़ अदा करने को दिल ही नहीं किया बस जस्ट यानी कि मैं अपने कामों को ही करना स्टार्ट हो गई आज मैंने यानी कि ना आ, मूड हो रहा था दो तीन दिन से ना केक ट्राई करने का लेकिन ना हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने पहले जब बनाया था ना वो भी पहले मुझसे जल चुका था लेकिन फिर भी वो ट्राई ट्राई अगेन कहते हैं ना कोशिश करते रहना चाहिए आ, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो आप ना करना चाहें और वो ना हो खैर आज फिर मैंने यानी कि हिम्मत की है मैं इसको फिर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करूँगी डेली वीडियोस को बना रही होती है व्यूज़ कम होते हैं तो फिर हिम्मत यानी कि डाउन हो जाती है लेकिन फिर अगर किसी की वीडियो देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा यानी कि व्यूज़ पे होती है या बहुत ज़्यादा वायरल होती है फिर उनकी प्रीवियस वीडियो को देख रही होती है पिछली वीडियोज़ को देख रही होती हैं जिन पर जिन जिन पर ना उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है फिर माइंड में एक बात आती है कि ना कोई भी काम ना आसानी से नहीं होता इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मुश्किल आती है लेकिन ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है अभी टाइम कम है शायद इस वजह से व्यूज़ कम है या शायद ना टाइम लगेगा या अभी भी मेरी कोई को कोताहीियाँ हैं जो यानी कि वीडियोस को अभी यानी कि व्यूज़ गेन करने में या चैनल को ग्रो करने में रोक रही हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे माइंड में आती हैं सुबह जब वीडियो को अपलोड करती हूँ और जब शाम तक उसको देख रही होती हूँ ना के व्यूज़ का मैं तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फिर यानी कि किसी की वीडियो देखती हूँ फिर दोबारा एक नया स्टार्टअप लेती हूँ नहीं आ, फार फ्री तो हूँ ना कोशिश तो करने में कोई हर्ज नहीं है कोशिश करें कामयाबी देने वाला अल्लाह पाक है इस नई उम्मीद के साथ ना फिर एक और वीडियो बनाती हूँ और फिर उसको अपलोड कर देती हूँ कपड़े मेरे हैंग हो चुके थे खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी थी ये रात के मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे उनको ड्राई करने के लिए जब तक सुबह तक वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको कैबिनेट्स में लगा देती हूँ और ये मेरा साथ वाला क्वार्टर खाली हुआ था उनसे मैंने फिर शेल्फ ली है क्योंकि ना मेरा यहाँ पे लकड़ी का जो फट्टा रखा हुआ था ना उसमें इतना ज़्यादा दीमक होता था इतने ज़्यादा कीड़े निकलते थे वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता था खैर हमें हमने दो तीन बार कंप्लेन भी की है लेकिन यानी कि नो आंसर चूल्हे के लिए भी और आ, इसके स्लेब के लिए भी कोई जवाब नहीं आया तो ये रखी है वो फटा जो था ना वो ज़रा सा बड़ा था और ये स्लेब यानी कि थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने ना चूल्हे को अगर ना दीवार के साथ रख रही थी ना तो वो बिल्कुल बिल, आ, उस साइड पर जाके टच हो रहा था चूल्हा और फिर ना कुकिंग करते वक्त ना चमचा हिलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी फिर मैंने स्लेब को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचा उसको हाफ से यानी कि ना हाफ यानी कि किया और ना ही फुल किया बस थोड़ा सा उस साइड पे इतना रख लिया कि अगर कोई ना पतीली या प्लेट वगैरह रखूँ तो वो ईजीली आ सके तो मैंने इस तरीके से इसको सेट कर लिया फिर उसके बाद मैं किचन में ना केक बनाने के लिए फिर नई एक और हिम्मत के साथ ना स्टार्ट हो गई मैंने कहा सीखना है जितनी मतलब अभी यानी कि ख़राब होगा एक बार होगा दो बार होगा तीन बार होगा देखिए कब तक ख़राब होता है एक कप मैंने मैदा लिया है एक कप ही चीनी लिया है एक अंडा लिया है वनीला एसेंस है मेरे पास और एक कप ही मैदा एक कप मैदा एक कप चीनी एक कप ऑयल और एक अंडा और वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को ना मैंने मेजरमेंट किया है बल्कि ना ऑयल को मैंने कप से थोड़ा सा ना कम रखा है मैंने कहा अब के बार थोड़ा सा बैटर ट्राई करके देखते हैं ख़राब होगा तो ना कम ही होगा ना पिछली मरत तो मैंने ना भर के बैटर ना तकरीबन तीन कप के बराबर बनाया था और वो मैंने तेज़ आंच कर दी थी मेरी ये मिस्टेक थी और उसके बाद जब तेज़ आंच पे रखा मैंने तो वो सारा जल गया था पका नहीं था खैर फिर मैंने यानी ना इसको बैटर को अंडा ऑयल uh, और चीनी को इन और वनीला एसेंसिस इसको तकरीबन मैंने ना आठ से दस मिनट तक ना ब्लेंडर में अच्छे तरीके से मिक्स किया मिक्स करने के बाद फिर इसको मैंने ना जूसर की ब्लेंडर से निकाल के फिर इसके अंदर एक कप जो मैदा मैंने किया था ये सब चीज़ें ना मैंने बराबर कोांटिटी में ली थी बस ऑयल थोड़ा सा यानी कि हाँ वन कप से कम था फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ना आ, मैदा शामिल करके ना एक ही साइड पे ना अच्छे तरीके से इसको ना आ, मिक्स किया और फिर ना मेरे पास बटर पेपर था मेरे पास सिर्फ यानी कि सिंपल ये पेजेस पड़े हुए थे मैंने कहा इससे ही ट्राई करते हैं उसके बाद पहले मैंने अच्छे तरीके से इसको पैन को ग्रीस किया फिर उसके बाद ना ऊपर मैंने ना कागज़ के ऊपर भी अच्छे तरीके से ग्रीस किया था और मैंने जब किसी की वीडियो देखी थी तो वो कह रहे थे बैटर इस तरीके से होना चाहिए कि ना वो रिबन की तरह ना नीचे गिर रहा हो तो ये ना उसी तरीके से हो रहा था मुझे यहाँ पर खुशी तो हो रही थी शायद ना वो बैटर मेरा सही बन गया लेकिन जब मैंने इसको पकाने के लिए रखा तो शायद इसमें कोई कमी थी शायद मैंने पकाने में मैं इसको बार बार देख रही थी आ, उठा उठा के तो या फिर कोई और मिस्टेक होगी लेकिन यानी कि ये जैसे परफेक्टली बनता है ना वैसे नहीं हुआ और उसके बाद ना मैंने पैन को ना तकरीबन ना बीस मिनट पहले फुल फ्लेम पर ना गर्म किया था और उसके बाद मैंने इसको ना बैटर को रख के ऊपर से रुमाल भी रख दिया था जिस टाइम मैंने यहाँ पे ओपन किया ना तो ये अच्छे तरीके से ना फूला हुआ था मुझे नहीं पता कि ये इस इस तरह होना था या नहीं होना था इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ी सी ये स्टिक डाली और वो पंचर हो गया और वो सारा नीचे बैठ गया शायद मेरी ये मिस्टेक है या फिर यानी कि मैंने ना चेक करने में गलती की है मुझे नहीं पता उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया यहाँ पे मैंने इसको आधे घंटे के बाद चेक किया था और फिर उसके बाद मैंने ना तकरीबन ना आधा घंटा और दिया मतलब यानी कि मैंने इसको एक घंटा और पकाया और जब मैंने वो स्टेज पर देखा ना उसके बाद मैंने इसको दो तीन मर्तों में ओपन कर करके देख रही थी शायद मेरी ये भी मिस्टेक ना यहाँ पे ना ये बिल्कुल पक चुका था लेकिन ना मैंने जब हस्बैंड को दिखाया गया था नहीं ऐसे नहीं इसको ना थोड़ी सी आंच को ना आप तेज कर दो मुझे ना कच्चा कच्चा लग रहा है ना जब मैंने आँच को तेज़ किया तो फिर मुझे ना जलने की ना फील हो रहा था फिर मैंने इसको जल्दी से बंद करके निकाला तो ये ना फ्लफी हुआ है ना ही यानी कि ये फूल है ये शायद मेरी अपनी मिस्टेक है मैंने इसको ना पंचर कर दिया था उस वजह से आई डोंट नो इसका ना वो मिक्सचर बहुत यानी कि जो साइड में था इतना क्रिस्पी बना हुआ था मज़े का था चीनी इसके अंदर बिल्कुल ठीक थी और जो साथ में यानी कि जैसे क्रंची होता है ना क्रिस्पी वो तो है था लेकिन जो सेंटर वाला था ना वो ठीक नहीं था और इसके अलावा जब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी ना तो ये ना साथ साथ ना उतर रहा था इसका पता नहीं क्या मैंने इसमें आज मिस्टेक किया है लेकिन ना ये परफेक्ट बन ही नहीं सका लेकिन आज मुझे उम्मीद पूरी थी कि ये बन जाएगा खैर मिस्टेक्स तो होंगी आ, कब तक होंगी ना आज पहले वाले से बेहतर बना है लेकिन ना यानी कि परफेक्ट फिर भी नहीं बना देखते हैं कि ना परफेक्ट ये कब तक होता है खैर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है हर इंसान सीख के आता है ख़राब कर करके ही यानी कि वो कोशिश कर कर के ही सीखता होता है आज जैसे मैं जो पहली मर्त पर अफसोस हुआ था ना केक बना के क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था इतनी गंदी उसके अंदर से स्मेल आ रही थी जल गया था और पिछली मरत मैंने वनीला एसेंस भी नहीं डाला था तो उस टाइम मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं कर सकती अब मैंने दोबारा जब ट्राई किया है ना आज यानी कि बहुत बेहतर है उससे लेकिन ना जैसे केक होते हैं वैसा नहीं है और जो इसका ना नीचे वाला यानी कि कलर था ना वो इतना प्यारा था और ऊपर वाला जो कलर था ना वो चेंज था अब इसमें मुझे बताइएगा मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने इसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं ताकि मैं दोबारा जब ट्राई करूँ ना तो इसमें ना ये मिस्टेक्स ना हो और ये मैं इसको कागज़ को खींच रही थी ना साथ साथ ये टूट रहा था हालांकि मैंने इसको ना ठंडा भी किया था और ना जब मैं इसको दबा के देख रही थी ना तो ये अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट था लेकिन बाहर वाली साइड इसकी ना क्रिस्पी थी क्रंची थी आ, पता नहीं आज इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया आप लोग सब मुझे गाइड कीजिएगा कॉमेंट में बताइएगा ताकि मैं जब दोबारा ट्राई करूँ तो ताकि मेरा केक यानी के ना ठीक हो सके और अब मैं वीडियो के चक्कर में ना बड़ी जोश के साथ ना बड़ी हिम्मत के साथ बहुत सी चीज़ें ना ट्राई कर रही होती हूँ पहले मैं कुछ भी नहीं करती होती थी सुकून से बैठी रहती थी ना कुछ करने को दिल करता था ना ही यहाँ पे अकेले मेरा दिल लगता था और कोई भी यानी कि बिज़ी होने के लिए ना मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन अब तो मैंने ना बहुत सारे पंगे लिए हुए हैं और सबसे ज़्यादा पंगा जो है ना वो मैंने यूट्यूब का लिया हुआ है खैर उसके बाद यहाँ पे ना जब मैं बैटर रखा हुआ था ना केक का उसके साथ मैं ना मल्टीटास्किंग भी कर रही थी थी बैटर को रखने के बाद सफाइयाँ भी की सफ़ाइँ करने के बाद मैंने सिलाई भी की जब तक मेरा केक रेडी हुआ ना तब तक मैंने एक कमीज का ना गला बना के उसको भी कंप्लीट कर लिया था और एक ट्राउज़र भी सिलाई कर लिया था निकम्मे नहीं बैठी थी मैं कागज़ उतारते हुए मैंने कोशिश तो बहुत की कि ये टूटे ना लेकिन आराम आराम से इसको बड़े सॉफ्ट हैंड से मैंने किया प्यार प्यार से कि ये टूटे ना लेकिन इसने कहा नहीं मैंने तो टूटना है आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें तो मैंने कहा चल भाई तूने टूटना तो है ही फिर मैं तुझे क्यों ऐसे मुश्किल में डालूं फिर मैंने भी ऐसे ही उतार उतार के और इसको लास्ट में फिर तोड़ ही दिया क्योंकि इसकी कोई हालत ही नहीं बची थी आ, सीधा रहने की ना तो मैंने कहा चलें सेंटर से भी आपको दिखाती हूँ पता नहीं ये कच्चा है या फिर पता नहीं ये पका हुआ है या इसका कलर ऐसा है मुझे नहीं पता फिर कुछ ये ख़ुद ही टूट गया था साहब और कुछ मैंने इसको फिर तोड़ दिया था और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा जो बहनें मुझे देख रही होती हैं और उनके कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ये किसी वीडियो पे मेरे व्यूज़ ना एक भी अगर ज़्यादा आ जाते हैं या फिर एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ जाता है तो मैं बहुत खुश हो रही होती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के सपोर्ट की बात ही यानी कि कामयाब हो सकती हूँ मैं अकेले तो कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट करने वाले जब सपोर्ट करते हैं सब सब्सक्राइब करते हैं या फिर व्यूज़ वीडियो को फुल वॉच करते हैं लाइक करते हैं तभी यहाँ पे यूट्यूब पे कामयाब हुआ जा सकता है अदरवाइज़ नहीं आज का ब्लाग मेरा यहीं तक था मिलते हैं इन नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़